दोस्तों, आप सबने महाभारत के एक पात्र अभिमन्यु के बारे में जरूर सुना होगा। माना जाता है कि अभिमन्यु ने महाभारत के पहले ही अपने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना और चक्रव्यूह की कहानी सुनी थी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस संबंध में एक शोध कर इस बात का खुलासा किया है कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है। इस विषय संबंधित एक स्वतंत्र शोध में वैज्ञानिकों ने पाया है कि बच्चा गर्भ में ही अपनी माँ की सुनी हुई भाषा सीखना शुरू कर देता है। इससे अभिमन्यु के गर्भ में सुनने की कहानी संभव होने को और अधिक बल मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इसी रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में यह भी जानेंगे कि चक्रव्यूह की रचना और उसकी कहानी कैसे अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही सीख लिया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना वह नहीं सीख पाया था, क्योंकि उसकी माँ को जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बारे में बता रहे थे तब वह सो गई थी, और यही कारण रहा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर उसकी जान चली जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसको लेकर वैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च और तथ्य निकाले हैं। आप देख रहे हैं एनवर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। महाभारत हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा ग्रंथ के रूप में स्थापित महाभारत की एक बड़ी कथा है, जो कि सदियों सदियों से सनातन धर्म में काफ़ी प्रसिद्ध है। इनमें से महाभारत कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र अभिमन्यु था, जिसके बारे में कहा जाता है कि अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की कहानी सुनी थी। चक्रव्यूह युद्ध की वह नीति थी जिससे विरोधी सेना को 7 चक्रों को भेद कर वापस लौटना होता था, तभी उसकी जीत हो पाती थी। और यह पूरी चक्रव्यूह की रचना कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने रचाई थी। आप सब ने महाभारत की यह कथा जरूर सुनी होगी। द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे और पांडवों की सेना को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह सबसे जटिल व्यूह रचनाओं में से एक था, यानी इससे बच निकलना नामुमकिन था। लेकिन क्या ये दावे सिर्फ कहानी मात्र है? क्या कोई बालक अपनी माँ के गर्भ से ही कोई चीज सीख आ सकता है? इसी बात को रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी शोध किया। साथ में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। शिशु माँ के गर्भ में ही कई भाषाएं सीख सकते हैं, और यह अभिमन्यु की कहानी के बारे में भी कई सारे संकेत देता है। यह गौर करने वाली बात है कि महाभारत के वैज्ञानिक तौर पर केवल महाउपन्यास की तरह देखा जाता रहा है, लेकिन महाभारत की घटना असल में हुई थी, इसके कई सारे प्रमाण और साक्ष्य मौजूद हैं। और इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने हालिया अध्ययन में भी महाभारत की प्रमाणिकता को सिद्ध कर दिया है। इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने साइंस एडवांस में एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें वैज्ञानिकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि नवजात शिशु को उस भाषा के बारे में पहले से ही जानकारी होती है जिससे उसका सामना गर्भकाल के दौरान होता है। यानी जो नवजात शिशु माँ के गर्भ में होता है और माँ का जो भी भाषा पर पकड़ होता है वह बच्चा माँ के गर्भ में ही सीख लेता है, और ऐसा ही कुछ अभिमन्यु के साथ भी हुआ था। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये प्रमाण शिशुओं के जन्म से पहले के दिमाग की क्रियान्मकता की जानकारी दे रहे हैं। वैज्ञानिक इस जानकारी को मस्तिष्क विकास और भाषा सीखने की क्षमता पर शुरुआती जीवन के प्रभाव की समझ के लिहाज से बड़ी उपलब्धि मानते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था अभिमन्यु के साथ। इनमें भ्रूण के गर्भ के 5 से 7 महीने तक के दौरान गर्भ के बाहर आवाज सुनने की क्षमता काफी महत्वपूर्ण होती है। महाभारत में अभिमन्यु की कथा इसी गुण को रेखांकित भी करती है। वहीं आज भी यह देखा जाता है कि नवजात माँ की आवाज़ और उसकी भाषा को जन्म के कुछ दिनों के बाद बिल्कुल सीख लेते हैं, और यह सब कुछ सीखने की जो घटना है वह माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। साथ ही शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि सोते हुए नवजात शिशु के दिमाग से लंबे समय तक बोलने और भाषा सीखने के संकेत मिलते रहे हैं।
इसके लिए शोधकर्ताओं ने 33 माताओं और उनके 1 से 5 दिन के बच्चों पर अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान नवजात में सोने के दौरान भी कुछ प्रचलित गाने सुनाए गए और उनके सिर पर कुछ इलेक्ट्रोड दिमाग और हिस्से पर लगाए गए, जिसके बाद इन इलेक्ट्रोड से सीधा मस्तिष्क से संपर्क हुआ और तरंगों में कई सारे बदलाव को रिकॉर्ड किया गया। और यह रिसर्च वैज्ञानिकों को इस ओर इंगित करती है कि मन्यु के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सीखने के प्रमाण बिल्कुल सही है और ऐसा आज भी संभव होता है। नमस्कार।